पत्रकारों अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर 5 सूत्री समस्याओं के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी औरैया को ज्ञापन दिया। औरैया मीडिया अधिकार मंच भारत के द्वारा पत्रकारों अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर अपर जिलाधिकारी को 5 सूत्री समस्याओं के निस्तारण के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सत्येंद्र शेंगर ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार मीडिया कर्मी जो कि अपनी जान को जोखिम में डालकर समाचार कवरेज करने जाते हैं, किंतु पत्रकारों मीडिया कर्मियों सहित अधिवक्ता साथियों पर प्रशासनिक अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं के संचालक अपराधियों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किए जाने की सूचनाएं आती रहती हैं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं से प्रदेश केंद्र सरकार सहित प्रशासनिक उच्च अधिकारियों की छवि धूमिल हो रही है तथा प्रदेश और केंद्र सरकार सहित प्रशासनिक उच्च अधिकारियों पर लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने और कराने जैसे कृत्यों का आरोप लगते आ रहे हैं। और सत्येंद्र शेंगर ने कहा कि पत्रकारों मीडिया कर्मियों सहित अधिवक्ताओं साथियों की सुरक्षा हेतु मात्र 5 सूत्री मांगों को संवैधानिक प्रक्रिया कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करवाने की कृपा करें, जिससे पत्रकार मीडिया कर्मी सहित अधिवक्ता साथी निर्भीक एवं निष्पक्षतापूर्ण ढंग से कार्य कर सके, जिसमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का कार्य कर सके। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या मुख्य मांगे हैं, दिखाते हैं विस्तार से। संवाददाता अमित कुमार शर्मा और अय्या की रिपोर्ट। हाँ सर, तो आपने आज जो ज्ञापन दिया है वो किस विषय में दिया है? आज मीडिया अधिकार मंच भारत अन्य कई समाज सेवी संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन ADM औरैया को प्रेषित करते हुए प्रदेश एवं केंद्र सरकार को संबोधित किया गया है, जिसमें पत्रकारों एवं अधिवक्ता साथियों की 5 सूत्री समस्याओं को लेकर मीडिया अधिकार मंच भारत के द्वारा 10 अगस्त 2022 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक आंदोलन किया जा रहा है, उसी के संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि पत्रकारों एवं अधिवक्ता साथियों की इन 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा 10 अगस्त 2022 से हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और इसके बाद भी अगर जो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली जंतर मंतर में जा कर के निरंतर धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। जी सर, धन्यवाद।